राजेश चुदुपन जी के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजेश मंथन जी को। राजेश मंथन जी एक फिल्म गीतकार हैं और सफल गीतकार हैं। मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि इन्होंने कई फिल्मों के अच्छे अच्छे गीत लिखे, न केवल लिखे बल्कि इन्हें अभी हाल ही में मिर्चिक म्यूज़िक अवार्ड में गीतकार के तौर पर पुरस्कृत भी किया गया। मैं उन्हें इस काम के लिए बधाई भी देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ वो मंच तक आए इस शेर के साथ। तुमसे मिलके मैंने जाना जिंदगी, तुमसे मिलके मैंने जाना जिंदगी, है सफ़र कितना सुहाना जिंदगी। और आज जब तुम मेरे घर मेहमान हो, आज जब तुम मेरे घर मेहमान हो, लग रहा है आशियाना जिंदगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजेश मंथन जी को। स्वागत। मंच पर उपस्थित आप सभी का आभार अभिवादन। मैं एक कविता के साथ शुरुआत कर रहा हूँ और ये कविता है जो बहुत ही मशहूर और बहुत ही टैलेंटेड स्टोरी राइटर थे सआदत हसन मंटो साहब, तो उनको समर्पित करके मैंने ये कविता लिखी है। कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप सुनकर बताइएगा। शुरुआत करता हूँ। स्वागत। कविता का शीर्षक है मंटो तुम वापस मत आना। मंटो तुम वापस मत आना। आंखों ने जो देखा मंजर, आंखों ने जो देखा मंजर, दिल ने जो महसूस किया, तुमने अपने अफसानों में वैसा दर्द उकेर दिया। जुर्म किया जो ऐसा लिखा, जुर्म किया जो ऐसा लिखा, क्यों ना खुद को रोक लिया। क्यों सुकरात बने दुख झेले, क्यों जिल्लत का जहर पिया। पत्थर भी मारे जाएंगे, इल्जाम भी सर पे आएंगे। पत्थर भी मारे जाएंगे, इल्जाम भी सर पे आएंगे। लाचारों के गम ना दिखाना मंटो तुम वापस मत आना। काली शलवार लिखा क्यों था, काली शलवार लिखा क्यों था, क्यों ठंडा गोश्त परोसा था। काली शलवार लिखा क्यों था, क्यों ठंडा गोश्त परोसा था। दोहरी सोच है दुनिया की, क्या तुमने ये ना सोचा था। क्या तुमने ये ना सोचा था, नंगी आवाजें क्यों चीखी। नंगी आवाजें क्यों चीखी, क्यों बू से धुआं उठा था। नंगी आवाजें क्यों चीखी, क्यों बू से धुआं उठा था। क्यों खोल दो तुमने लिखा, क्या खौफ समाजों का ना था। टोबा टेक सिंह बेचारा, टोबा टेक सिंह बेचारा, पागल ना होता अच्छा था। ये बहुत ही उम्दा कहानी है जो बंटवारे में सआदत हसन साहब मंटो ने लिखी थी। बहुत अच्छी। कि टोबा टेक सिंह बेचारा, पागल ना होता अच्छा था, बंटवारे की मार से वो घायल ना होता अच्छा था। दुख दर्द उछाले जाएंगे, दुख दर्द उछाले जाएंगे, हमसे ना संभाले जाएंगे। दुख दर्द उछाले जाएंगे, हमसे ना संभाले जाएंगे। सच का दर्पण मत दिखलाना मंटो तुम वापस मत आना। आखिरी बंद है। कौन है पावन कौन अपावन, कौन है पावन कौन अपावन, तय कौन करेगा बतला दो। कौन है पावन कौन अपावन, तय कौन करेगा बतला दो। औरों का हक मारा जिसने, क्या न्याय वो देगा समझा दो। वाह वाह वाह, क्या बात। कोड बुराई के फटने दो, ये वाक्य सआदत हसन साहब मंटो साहब का था बकौल उनके, तो मैंने वैसा ही लिखने की कोशिश की है कि कोड बुराई के फटने दो, नश्तर बन उनको सहला दो। कोड बुराई के फटने दो, नश्तर बन उनको सहला दो। लक्ष्य कलम का इतना है, लक्ष्य कलम का इतना है, जो देखा है वो दिखा। फिर गिद्ध भेड़िए आएंगे, फिर गिद्ध भेड़िए आएंगे, नौचेंगे रूह को खाएंगे। फिर गिद्ध भेड़िए आएंगे, नौचेंगे रूह को खाएंगे। फिर गिद्ध भेड़िए आएंगे, नौचेंगे रूह को खाएंगे। मुश्किल होगा जान बचाना, मुश्किल होगा जान बचाना मंटो तुम वापस ना। क्या एक
गजल के मतले और दो शेर से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक गजल है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि होठों पे जो अपने चुप्पी रखता हूँ, होठों पे जो अपने चुप्पी रखता हूँ, ये ना समझो कि मैं तुमसे डरता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। होठों पे जो अपने चुप्पी रखता हूँ, ये ना समझो कि मैं तुमसे डरता हूँ। यूं तो पा सकता हूँ मनचाही खुशियाँ, यूं तो पा सकता हूँ मनचाही खुशियाँ, फर्ज भी हैं, फर्ज भी हैं कुछ जिनको पूरा करना। मोल लगाते हो क्या मेरा पैसों से, मोल लगाते हो क्या मेरा पैसों से, प्यार मिले तो सस्ता, प्यार मिले तो सस्ता वरना महंगा हो। क्या बात है, प्यार मिले तो सस्ता वरना महंगा। अहमक कह लो या दीवाना समझो तुम, अहमक कह लो या दीवाना समझो तुम, सुनता सबकी लेकिन अपनी करता। वाह क्या वादा है, अच्छा। गजल का आखिरी शेर है कि चंदा तारे बादल परियां, चंदा तारे बादल परियां क्या सोचूं, चंदा तारे बादल परियां क्या सोचूं, मैं तो दुनिया तेरी बातें लिखता हूँ। वाह क्या वादा है। होठों पे जो अपने चुप्पी रखता हूँ, ये ना समझो कि मैं तुमसे डरता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राजेश मंथन जी, बहुत खूबसूरत गज़ल और मंटो साहब पर बहुत अच्छी कविता आपने कही। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शायरा कुसुम तिवारी जी को, जिन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं पिछले कुछ कार्यक्रमों में और बहुत खूबसूरत लिखती हैं, उन्हें एक शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। संगमरमर को हंसी ताज महल कहते हैं, सब तुझे चांद सितारों का बदल कहते हैं, तू बता दे पुकारू तुझे किस नाम से मैं, देखने वाले तुझे कोई गजल कहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुसुम तिवारी जी को। शुक्रिया गुलशन मदान जी, और बहुत बहुत आभार डिवाइन मेलोडी चैनल का फिर से मुझे एक सुनहरा मौका देने के लिए। बिना किसी भूमिका के मैं आप लोगों के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर होता है, एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, तुमको खोने के डर से मेरा दिल सहमा सहमा रहता है, सहमा सहमा रहता है, एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, तेरा छूट न जाए साथ कहीं, मेरा छूट न जाए हाथ कहीं, तेरा छूट न जाए साथ कहीं, मेरा छूट न जाए हाथ कहीं, पल पल अलाव से जलती हूँ, गीला मन आहें भरता है, तुमको खोने के डर से मेरा दिल सहमा से
दूसरा बंद है। तेरा छूट न जाए साथ कहीं, मेरा छूट न जाए हाथ कहीं, तेरा छूट न जाए साथ कहीं, मेरा छूट न जाए हाथ कहीं, पल पल अलाव से जलती हूँ, गीला मन आहे भरता है, तुमको खोने के डर से मेरा दिल सहमा सहमा रहता है, दिल सहमा सहमा रहता है, एक भूख से दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, तू जान कहे मुझे जान जिगर, मेरी जान तू जीता है मगर, तू जान कहे मुझे जान जिगर, मेरी जान तू जीता है मगर, तू जग के ताने सुनता है पर फिर भी मुझ पर मरता है, तू जग के ताने सुनता है पर फिर भी मुझ पर मरता है, तुमको खोने के डर से मेरा दिल सहमा सहमा रहता है, दिल अच्छी बनती है, सहमा सहमा रहता है, एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, और इस गीत का अंतिम बंद है, आँखों से आंसू बहते हैं, मन चुपके चुपके रोता है, आँखों से आंसू बहते हैं, मन चुपके चुपके रोता है, मेरी सिसकी की आहट को सनम खामोश समीर भी सुनता है, वाह क्या बात है, क्या तुमको खोने के डर से मेरा दिल सहमा सहमा रहता है, दिल सहमा सहमा रहता है, भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, थोड़ा विषयांतर करती हूँ, एक गजल के चंद शेर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है। मैं अपने दर्द को जाहिर खुदारा कर नहीं सकती,
गुजारी है कई शामें तुम्हारे वस्ल की खातिर, गुजारी है कई शामें तुम्हारे वस्ल की खातिर, तेरे बिन मैं किस शय से मुखातिब हो नहीं सकती, तेरे बिन मैं किस शय से मुखातिब हो नहीं सकती, मैं अपने दर्द को मेरा गम ख्वार है तू जानती, मैं मानती भी हूँ, मेरा गम ख्वार है तू जानती, मैं मानती भी हूँ, जले गुलशन तेरा मैं ये गवारा कर नहीं सकती, गुलशन तेरा मैं ये गवारा कर नहीं सकती, मैं अपने दर्द को जमाने की जहालत काबिले बर्दाश्त अब ना है, जमाने की जहालत काबिले बर्दाश्त अब ना है, लगा कर दाव पर इज्जत पशेमा हो नहीं सकती, लगा कर दाव पर इज्जत पशेमा हो नहीं सकती, मैं अपने दर्द को जाहिर खुदारा कर नहीं सकती, सच है मेरे हमदम तेरे बिन जी नहीं सकती, तेरे बिन जी नहीं सकती। बहुत खूब कुसुम जी।